हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाइज ज्ञान। आज हम लोग एनबीसी पार्ट 4 फायर एंड लाइफ सेफ्टी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नेशनल बिल्डिंग कोड इज एप्लीकेबल फॉर। तो जो नेशनल बिल्डिंग कोड है वो एप्लीकेबल कहाँ कहाँ पर है? ऑल हाई राइज बिल्डिंग, असेंबली बिल्डिंग, होटल विथ फ्लोर एरिया 500 मीटर स्क्वायर, या ऑल ऑफ द अबव। तो हम लोगों ने एनबीसी जो लेक्चर 1 पढ़ा था, वहां पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि नेशनल बिल्डिंग कोड कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। और मैंने लेक्चर 1 जो मैंने बनाया है वो बहुत ही आपको मतलब फिगर के माध्यम से बताया ताकि आपको समझ में आए। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो जो यहाँ पे ऑल हाई राइज बिल्डिंग होता है तो आपको कमेंट करके भी बताना है कि ऑल हाई राइज बिल्डिंग का जो लेंथ होना चाहिए वो कितना हाइट होता है। हाइट कितना होता है, कितना मीटर से अधिक होना चाहिए। तो ऑल हाई राइज बिल्डिंग वो कहलाएगा। यहाँ पे जो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, ये सारे जगह पे नेशनल बिल्डिंग कोड एप्लीकेबल होते हैं, और भी बहुत जगह एप्लीकेबल होते हैं। आप लोग लेक्चर 1 को जरूर देखें। नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, इन डाउन कॉमर मीन्स इंटरनल डायमीटर इज नॉट लेस देन। तो जो डाउन कॉमर होते हैं उसके जो मेंस होते हैं उसमें इंटरनल डायमीटर कितना होना चाहिए, कितना से कम नहीं होना चाहिए? तो इसका जो आंसर होगा 100 mm। 100 mm से कम इसका इंटरनल डायमीटर नहीं होना चाहिए, डाउन कॉमर के केसेस में, या आपका ड्राई राइजर होता है उसके केसेस में, या वेट राइजर्स, ये सब चीजों में इंटरनल डायमीटर नॉट लेस देन 100 mm होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज फायर लोड डेंसिटी। फायर लोड डेंसिटी क्या होता है? ऑप्शन ए, फायर लोड डिवाइडेड बाय फ्लोर एरिया। ऑप्शन बी, फायर मास डिवाइडेड बाय फ्लोर वॉल्यूम। ऑप्शन सी, फायर लोड डिवाइडेड बाय फ्लोर वॉल्यूम, या नन। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लोर लोड, फायर लोड डिवाइडेड बाय फ्लोर एरिया। तो ये आप लोगों को पढ़ना है फायर लोड डेंसिटी। तो ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज फायर लोड डेंसिटी, तो होता है फायर लोड डिवाइडेड बाय फ्लोर एरिया। तो फायर लोड के बारे में भी आप लोगों को जानना होगा, फ्लोर एरिया। तो फायर लोड डेंसिटी होता है फायर लोड डिवाइडेड बाय फ्लोर एरिया। तो इसका जो यूनिट होगा वो होगा किलो जूल पर मीटर स्क्वायर। फायर लोड के बारे में आप लोग जरूर पढ़ लें। नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, FAR मीन्स। तो FAR का फुल फॉर्म क्या होता है? फायर एरिया रेशियो, फायर एंड रेस्क्यू, फ्लोर एरिया रेशियो, फ्लोर एंड रेसिस्टेंस। तो ये हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा है, फ्लोर एरिया रेशियो, वहां पे फिगर के माध्यम से भी पढ़ा था। FAR तो हम लोगों ने देखा था कि 25% FAR, 50%, 100%, इस तरह से फ्लोर एरिया रेशियो हम लोगों ने पढ़ा। तो यहाँ पे FAR का मीन्स होगा फ्लोर एरिया रेशियो। तो FAR जो होता है वो क्या होता है? टोटल कवर्ड एरिया। टोटल कवर्ड एरिया होता है आपका ऑफ ऑल फ्लोर्स। ऑफ ऑल फ्लोर्स, टोटल कवर्ड एरिया, ऑफ ऑल फ्लोर्स डिवाइडेड बाय प्लॉट एरिया। तो ये प्लॉट एरिया होता है फ्लोर एरिया रेशियो। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे VPR का मीन्स क्या होता है? VPR इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो VPR का फुल फॉर्म होता है वॉल्यूम टू प्लॉट एरिया रेशियो। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, VPR का क्या मतलब होता है, वॉल्यूम टू प्लॉट एरिया रेशियो। नेक्स्ट वन हमारा क्वेश्चन नंबर 5, मैच द करेक्ट। यहाँ पे तो ग्रुप ए जो PQRS है, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 है, ग्रुप ए में कौन से आएंगे? तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन अवेलेबल है, आपको इसमें टिक करना है कि कौन से ऑप्शन सही है। तो P1 ग्रुप ए, वन हैजार्डस नहीं। तो जो ग्रुप ए होता है वो रेसिडेंशियल टाइप होता है। तो इसका जो हो जाएगा 2। ग्रुप सी, ग्रुप सी जो होता है वो हम लोगों ने पढ़ा था इंस्टीट्यूशनल होता है। तो इंस्टीट्यूशनल 4 है। तो 4, 2, 4। और ग्रुप डी होता है, जो ग्रुप डी होता है असेंबली टाइप्स, असेंबली 3। और ग्रुप जे होता है हैजार्डस। तो यहाँ पे 1। तो इसका आंसर होगा 2, 4, 3, 1। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। तो आपको याद होना चाहिए ग्रुप ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो यहाँ पे ए
सी डी जी एच है, बी के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बी जो होता है वो होता है एजुकेशनल टाइप, ओके, एजुकेशनल टाइप। बी ग्रुप में जो भी बिल्डिंग्स आएंगे वो एजुकेशनल टाइप्स बिल्डिंग्स आएंगे, और जो ई टाइप्स के बिल्डिंग्स होंगे, ई ग्रुप में आएंगे बिजनेस टाइप्स के बिल्डिंग्स, ओके। और जो एफ है वो एफ के, एफ टाइप के होंगे मर्केंटाइल, ओके। और जो जी हो गया, ओके, जी में आपका आएगा इंडस्ट्री, और एच में आएगा स्टोरेज टाइप बिल्डिंग्स, ओके। तो ये आपको ध्यान में, जी में आएगा आपका इंडस्ट्री, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये सारे ग्रुप्स, ये कहीं से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये जो जो टोटल्स ग्रुप्स हैं ए बी सी डी एफ जी एच और जे, तो जे तो आपको याद होना चाहिए, हैजार्डस। ग्रुप ए आपका ये रेसिडेंशियल होता है, ग्रुप सी जो होता है वो आपका इंस्टीट्यूशनल होता है, ग्रुप बी एजुकेशनल होता है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है, ये यहाँ से जरूर एक क्वेश्चन तो जरूर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, इन विच कैटेगरी 5 स्टार एंड अबव होटल्स कम। तो जो 5 स्टार होटल होते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, A4 में आते हैं, A5 में आते हैं, A6 में आते हैं, A7 में आते हैं, तो ये आपको बताना है। तो ये जो आते हैं ये 5 स्टार होटल या उससे अबव जो होटल्स आते हैं वो A6 कैटेगरी में आते हैं, A6 ऑप्शन नंबर सी, A6 कैटेगरी में आते हैं। तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जो A1 होता है, ओके, A1 आपका रेसिडेंशियल टाइप का होता है, ए ग्रुप। तो A1 जो होता है वो लॉजिंग और रूमिंग्स हाउसेस होते हैं, ओके, A1 टाइप्स के। जो A2 टाइप्स के होते हैं, 1 और 2 फैमिली प्राइवेट ड्वेलिंग टाइप के रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स होते हैं। A3 जो होते हैं वो डॉर्मेट्री होते हैं, ओके, जो इंडिविजुअल्स लोग होते हैं, अलग अलग फैमिलीज के लोग रहते हैं, वो डॉर्मेट्रीज में A3 टाइप्स के वो ग्रुप में आएंगे, ओके। और A4 जो होते हैं वो अपार्टमेंट हाउसेस जो होते हैं, फ्लैट्स होते हैं, वो A4 ग्रुप में आएंगे। A5 में होटल आएंगे, जो कि 4 स्टार तक के जो होटल्स होते हैं वो A5 कैटेगरी में आते हैं। और जो A6 होता है वो होता है 5 स्टार या उससे अबव। तो यहाँ पे 5 स्टार और अबव होटल पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर AC यहाँ पे सही होगा, ओके। और A7 कोई भी तरह का कैटेगरी नहीं बिलोंग करता है, ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो यहाँ पे आपको बताना है, सब डिवीजन B1 किस में आता है, स्कूल्स अप टू सीनियर सेकेंडरी लेवल, तो सही है। B1 जो होता है वो होता है स्कूल अप टू सीनियर सेकेंडरी लेवल। और जो B2 होता है, हम B2 के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, B2 जो होता है ऑल अदर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो होते हैं वो आते हैं B2 ग्रुप्स में, ओके। नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन नंबर B, सब डिवीजन C2, तो C2 जो होता है वो कस्टोडियल इंस्टीट्यूशन, ये सही बात है, और C2 सही है। C1 जो होता है वो होता है आपका हॉस्पिटल एंड सैनिटोरिया, ओके, C1 में आता है। और C3 में जो आता है वो आता है पीनल एंड मेंटल इंस्टीट्यूशन, जो भी कैदी उदी होते हैं वो C3 ग्रुप्स में रखे जाते हैं, उस तरह के बिल्डिंग्स में रखे जाते हैं। सब डिविजन D2 जो है, थिएटर हैविंग फिक्स्ड सीट अप टू 1000, तो ये भी सही है सब डिविजन D2 का, ओके, तो D2 में ये चीजें होता है। नेक्स्ट जो हमारा है सब डिवीजन E5, टेलीफोन एक्सचेंज जो होता है वो आपका E4 में आता है, ओके, E4 में। तो ये करेक्ट नहीं है, ये गलत है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सही, डी मतलब नॉट करेक्ट पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आंसर होगा। E4 जो कैटेगरी होता है वो होता है टेलीफोन एक्सचेंज, और E5 जो होता है वो होता है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन एंड टीवी स्टेशन, ओके, ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन एंड टीवी स्टेशन इसमें आते हैं E5 ग्रुप्स में। क्वेश्चन नंबर 8, ग्रुप जे, ग्रुप एच, ग्रुप G3 शैल कंफर्म टू कंस्ट्रक्शन ऑफ टाइप। तो हम लोगों ने वहां पे पढ़ा था टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, इस तरह के कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। तो वो हर जोन के लिए, फायर जोन 1, फायर जोन 2, फायर जोन 3, इस तरह से हम लोगों ने जोन भी पढ़ा था, ओके। तो ये चीजें आपको वहां पे मिल जाएगा, लेक्चर नंबर 2 में वहां पे आपको अवेलेबल है, ओके। तो ग्रुप जे जो होता है वो आपका जो बिल्डिंग्स होते हैं वो आते हैं हैजार्डस टाइप्स बिल्डिंग्स, ग्रुप एच जो होते हैं वो स्टोरेज टाइप्स बिल्डिंग होते हैं, और जो ग्रुप G3 होते हैं वो होते हैं इंडस्ट्रियल, हाई हैजार्डस इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स, ओके। तो इसमें जो कंस्ट्रक्शन टाइप्स होंगे वो होंगे 1 और 2, दोनों तरह के कंस्ट्रक्शन टाइप्स हो सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, ओके।
और ये जो ग्रुप जे है, ग्रुप एच है, ग्रुप जी थ्री है, ये तीनों जो ग्रुप्स हैं, ये तीनों टाइप्स के बिल्डिंग्स वो होते हैं, वो फायर जोन थ्री में आते हैं। ओके, तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, ए बिल्डिंग विच इज सेपरेटेड बाई वन और मोर कंटिन्यूस फायर रेसिस्टिंग वॉल्स हैविंग ए फायर रेसिस्टेंस ऑफ नॉट लेस देन, तो इस तरह की जो अगर जनरली पूछा जाता है, तो यहाँ पे जो फायर रेसिस्टेंस का वैल्यू होगा वो 2 आवर्स का होगा। ओके, 2 आवर्स का। ओके, लेकिन जब हाई हैजार्डस टाइप्स के जो भी बिल्डिंग्स हैं, ओके, हाई हैजार्डस टाइप्स के जहाँ पे बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पे फायर रेसिस्टेंस आपको 4 आवर्स होना चाहिए, और जो रेसिडेंशियल टाइप्स के जो बिल्डिंग्स होंगे, ओके, तो वो होंगे वहाँ पे आपको 1 आवर्स का। लेकिन ऐसे जो जनरली अगर पूछा जा रहा है इस तरह से, तो आपको 2 आवर्स आंसर करना है। अगर हाई हैजार्डस के केस में पूछा जा रहा है फायर रेसिस्टेंस का वैल्यू, तो वो 4 आवर होगा, और जो रेसिडेंशियल टाइप्स के बिल्डिंग्स होंगे वो 1 आवर वहाँ पे आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, द रोड टर्मिनेट इन अ डेड एंड, देन इन दिस केस मैक्सिमम रेसिडेंशियल बिल्डिंग हाइट अप टू डैश मीटर। तो जो जो रोड है वो डेड एंड, उसका मतलब रोड टर्मिनेट कर जा रहा है, कहीं पे एंड हो रहा है। ओके, तो उस केसेस में जो वहां पे जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग होगा उसका मैक्सिमम हाइट कितना होना चाहिए, तो वहां का जो मैक्सिमम हाइट होगा वो 30 मीटर्स होगा। ओके, 30 मीटर से ज्यादा हाइट के रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स नहीं बना सकते हैं। ओके, जहां पे अगर कोई रोड टर्मिनेट कर रहा है, मीन्स कि रोड ऐसे जा रहा है और यहाँ पे डेड सेंटर है, ओके, यहाँ से आगे कुछ भी रोड नहीं है, तो यहाँ पे जो इस एरिया में जो भी बिल्डिंग्स बनेंगे, ओके, तो वो 30 मीटर से हाइट से ज्यादा ऊंचा नहीं बन सकता है। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, फॉर हाई राइज बिल्डिंग द विड्थ ऑफ मेन स्ट्रीट शैल नॉट बी लेस देन डैश मीटर। तो जो अगर हाई राइज बिल्डिंग्स का जो हाइट होता है, ओके, 15 मीटर और उससे अबव जो भी बिल्डिंग्स होते हैं वो हाई राइज बिल्डिंग्स होते हैं, तो उसके जो कनेक्टिविटी होंगे, जो स्ट्रीट का कनेक्टिविटी होगा, उसका मिनिमम कितना मीटर चौड़ाई होना चाहिए उस स्ट्रीट का, तो उसका मिनिमम कनेक्टिविटी होना चाहिए 12 मीटर। ओके, 12 मीटर मिनिमम उसका विद्युत होना चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, फायर लिफ्ट शैल बी प्रोवाइडेड विथ अ मिनिमम कैपेसिटी फॉर डैश पैसेंजर्स। तो कितने पैसेंजर्स के लिए जो फायर लिफ्ट होते हैं, ओके, तो उसमें मिनिमम कैपेसिटी कितना होना चाहिए पैसेंजर्स का, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 8 पैसेंजर्स, मिनिमम 8 पैसेंजर्स को लिफ्ट कर सके एक बार में फायर लिफ्ट जो होते हैं वो। ओके, और ये जो फायर लिफ्ट मैंडेटरी होते हैं, जो भी हाई राइज बिल्डिंग्स होते हैं उसके लिए फायर लिफ्ट मैंडेटरी होते हैं, वहां पे फायर लिफ्ट होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज पोस्टेड विथ अ साइन ऑन ईच साइड ऑफ डोर्स ऑफ रूम्स इन विच फ्लेमेबल लिक्विड्स आर स्टोर्ड। तो जो भी फ्लेमेबल लिक्विड्स जहां पे स्टोर्ड होता है, वहां पे हर डोर पे, ईच साइड ऑफ डोर, क्या साइन पोस्ट किया होता है, क्या साइन वहां पे लिखा होना चाहिए। ऑप्शन ए है फायर डोर कीप क्लोज, ऑप्शन बी फ्लेम कीप डिस्टेंस, फ्लेम कीप क्लोज, नन। तो इसका जो आंसर होगा, आंसर जो होगा वो होगा फायर डोर कीप क्लोज। ओके, और ये जो फायर डोर कीप क्लोज लिखा होगा वो 25 mm ब्लॉक लेटर्स में लिखा होना चाहिए। ओके, और ये आपको ध्यान में रखना है, फायर डोर कीप क्लोज लिखा होना है, ऐसा नहीं कि फ्लेम कीप डिस्टेंस, फ्लेम कीप क्लोज, ये नहीं, फायर डोर कीप क्लोज ये लिखा होना चाहिए। जो भी अगर फ्लेमेबल लिक्विड्स आर स्टोर्ड होता है किसी रूम्स में, तो उसके जो भी डोर्स होंगे उस पर लिखा होगा फायर डोर कीप क्लोज। ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द टोटल परमिशिबल नंबर्स ऑफ स्लीपिंग एकोमोडेशन ऑफ वन और टू फैमिली प्राइवेट ड्वेलिंग ऑक्यूपाइड बाई नंबर्स ऑफ वन और टू फैमिली कवर्ड अंडर ग्रुप ए बिल्डिंग्स अंडर पार्ट 4 ऑफ द नेशनल बिल्डिंग कोड 2016। तो इसमें जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, नॉट मोर देन 20%। ये डायरेक्ट मैंने एक स्टेटमेंट्स को लिया है, ओके, जो कि ग्रुप ए रेसिडेंशियल टाइप्स बिल्डिंग्स में वहां पे मेंशन है कि वन और टू फैमिली प्राइवेट ड्वेलिंग ऑक्यूपाइड मेंबर्स हैं, ओके, तो या टू फैमिली कवर्ड अंडर ग्रुप ए बिल्डिंग्स,
तो ये होते हैं वो, उसमें जो टोटल परमिसिबल नंबर्स ऑफ स्लीपिंग एकोमोडेशन होना चाहिए वो 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 15 एनेक्चर्स के बारे में। तो एनेक्चर आपको जितने भी एनेक्चर्स हैं वो आपको ध्यान में रखना है, ये इससे एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा, पिछले ईयर्स भी क्वेश्चन आए थे यहाँ से। तो पूछा जा रहा है कि फायर प्रोटेक्शन कंसिडरेशन फॉर वेंटिंग इन इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, तो ये फायर प्रोटेक्शन कंसिडरेशन फॉर वेंटिंग इन इंडस्ट्रियल बिल्डिंग प्रिस्क्राइब किस एनेक्चर्स में है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे मैंने एनेक्चर्स के बारे में डिस्कस किया, एनेक्चर ए में क्या होता है, कैलोरीफिक वैल्यूज ऑफ कॉमन मटेरियल एंड टिपिकल वैल्यूज ऑफ फायर लोड डेंसिटी, एनेक्चर बी में ओके। तो इस तरह से जो फायर प्रोटेक्शन के बारे में पूछा जा रहा है वो होता है एनेक्चर डी में, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, एनेक्चर डी। ये एनेक्चर ई होता है गाइडलाइन फॉर फायर ड्रिल एंड इवैक्यूएशन प्रोसीजर फॉर हाई राइज बिल्डिंग, एनेक्चर डी आपको यहाँ पे पता है, एनेक्चर सी फायर प्रोटेक्शन रिक्वायरमेंट फॉर हाई राइज बिल्डिंग। तो ये एनेक्चर जो पांच एनेक्चर्स हैं ये तो आपको याद होना चाहिए। ओके, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आएंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।